उत्तर प्रदेश में अब आपको हर सड़क की गुणवत्ता की मिलेगी गारंटी। घटिया सड़क बनाने पर ये गारंटी भुनाई जा सकेगी। इसका मतलब है कि सड़क निर्माण एजेंसी अथवा ठेकेदार को ही उसकी मरम्मत करानी होगी या फिर दोबारा बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुधार को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में दीपावली से पहले राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल मॉनसून की स्थिति असामान्य है, कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है, लिहाजा नवंबर में दीपावली से पहले पूरे राज्य में सड़क गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया जाए। जहां बरसात की हालात हो वहां बोल्डर डालकर रोलर चलाकर लोगों की परेशानी दूर की जाए। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD, NHAI, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास जैसे विभागों को मिला लें तो लगभग 4 लाख किलोमीटर की सड़कें राज्य में है। सीएम योगी ने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजना की वजह से सड़कें खराब होती हैं, तो उससे संबंधित विभाग को जिम्मेदार बनाया जाएगा। गड्ढा मुक्त अभियान में सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। सभी विभाग सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी की ठेकेदार सड़क निर्माण के अगले 5 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएं, इसकी नियम शर्तें भी तय की जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इंजीनियर निर्माण कार्य की रीढ़ है, कहीं भी अभियंता की कमी ना हो और जरूरत पड़े तो आउटसोर्सिंग की जाए। मंत्रियों और अधिकारियों सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करें। इंजीनियरों की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए। यह तय करें कि किसी भी सार्वजनिक परियोजना में माफिया या अपराधी छवि वाले लोगों को ठेका न मिले। ऐसे अपराधियों के करीबी रिश्तेदार और गैंग के गुर्गों को भी ठेके या पट्टा हासिल करने से दूर रखा जाए। गड्ढा मुक्त और नई सड़क निर्माण की जियो टैगिंग कराई जाए ताकि घपले की कोई गुंजाइश न रहे। इसे PM गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे तरीके से नकेल कसने की निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी कि यह सड़क में किसी भी प्रकार का गड्ढा हुआ या कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जिसने निर्माण करवाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, UP, उत्तराखंड।